वन एंड ओनली 100% गारंटीड सॉल्यूशन ऑफ माइग्रेन इज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले की एक वीडियो में मैंने माइग्रेन के बारे में बताया है, मैंने ये बताया है कि कैसे आप अपने सिर दर्द को डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइग्रेन से, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको जो सिर दर्द होता है वो माइग्रेन ही है। बट आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि माइग्रेन का इलाज कैसे हो सकता है, और इस वीडियो में मैं आपको 100% माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी क्लियर किया है कि माइग्रेन जो दर्द होता है सिर में, वो कुछ ट्रिगर्स की वजह से होता है, कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द हो जाता है। ठीक है, अगर आप उन ट्रिगर्स से दूर रहेंगे, और वो ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं ये जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को सर्च करके देख लीजिए कि ये ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन का दर्द आपको हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन ट्रिगर पॉइंट्स से दूर रहेंगे, इन ट्रिगर स्टिमुलेंट्स से दूर रहेंगे, तो आपको माइग्रेन का दर्द नहीं होगा। बट आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो आप उस टाइम पर क्या करें। द वन एंड ओनली सॉल्यूशन विच इज 100% ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज कैफीन। अगर आपको माइग्रेन का सिरदर्द हो रहा है तो आप एक कप कॉफ़ी पीजिए, और ये देखिए कि चुटकियों में आपका सिर का दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, विद इन वन मिनट आपका सिर का दर्द गायब हो जाएगा। और अगर आपको कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कॉफ़ी का टेस्ट आपको पसंद नहीं है, स्मेल पसंद नहीं है कॉफ़ी की, तो आप 100 मिलीग्राम कैफीन टैबलेट केमिस्ट की शॉप से जाके ले सकते हैं और उसको खाएं, और जिससे कि आपका सिर का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको माइग्रेन का दर्द प्रिवेंट करने के लिए आपको ट्रिगर्स से दूर रहना चाहिए, स्टार्वेशन का जो टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्मेल से अगर आपको माइग्रेन का दर्द होता है तो आपको उस स्मेल से दूर रहना चाहिए, धूप में जाने से होता है तो आप धूप में जाने से बचें, या फिर नींद की कमी से अगर आपको माइग्रेन होता है, स्ट्रेस से माइग्रेन होता है तो आप अपनी नींद पूरी करें, स्ट्रेस से दूर रहें, योगा मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड से और शुगर वाले जो फूड होते हैं जिनमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप उस तरह के खाने से दूर रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो शुगरी फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, उससे भी माइग्रेन काफ़ी ट्रिगर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो आप कैफीन या कॉफ़ी लेने के अलावा और क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अपने सिर में एक टाइट कपड़ा बांध सकते हैं, या फिर अगर आप सिर में टाइट कपड़ा बांधते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके सिर में ब्लड का फ्लो जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, और ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से आपका जो है सिर का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सिर का कपड़ा बांधने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको माइग्रेन के दर्द में तेज़ रोशनी और शोर से काफ़ी परेशानी होती है, तो आप कोशिश करिए पीसफुल माहौल में और जिस कमरे में अंधेरा हो वहाँ पे जाके सो जाइए। अगर सो नहीं रहे हैं तो आप आँख बंद करके लेट जाइए, कुछ देर अपने स्ट्रेस को त्याग दीजिए, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए और अंधेरे कमरे में जाके लेट जाइए। इससे आपका दर्द तुरंत कम हो जाएगा। कि आपको अपने तेल की मसाज करनी है हेड में, किसी भी ऑयल को लिटिल वार्म ऑयल से आपको अपने सिर की मसाज करनी है, या अपने सिर को किसी से, जो भी फैमिली मेंबर है उसको, उससे धीरे धीरे दबवा सकते। तो चलिए जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्या सीखा है माइग्रेन के दर्द को ट्रीट करने के लिए। अवॉइड द ट्रिगर, अवॉइड द स्टिमुलेंट्स विच लीड टू माइग्रेन अटैक। ठीक है, वो स्टिमुलेंट से दूर रहिए। दूसरा, जब भी आपको माइग्रेन का दर्द हो तो उस टाइम पर कॉफ़ी पीजिए, कॉफ़ी नहीं पी रहे तो कैफीन टैबलेट लीजिए। तीसरा, आपने जो है टाइट कपड़े से अपने हेड को बांध लीजिए। चौथा, कि आप एक शांत माहौल में एक अंधेरे वाले कमरे में जाके लेट जाइए या फिर सो जाइए, कुछ देर रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने से और सोने से माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाता है। और इसके अलावा योगा मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। अगर आज की वीडियो देखने से आपको एक थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, आपकी नॉलेज एनहांस हुई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।